subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मोहल्ले कोरोना वायरस के वार में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 48 अमवात हो गई, जबकि एक ही दिन में 1772 नए मरीजों की तशखीस हुई है। कबायली इलाके वजीरिस्तान में 3G और 4G इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं दुश्मन बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए बरसरे पेकार है। मोदी सरकार ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने 40 सिपाही मरवा दिए। वजीर खारजा कहते हैं भारत 11 पाकिस्तानी हिंदुओं से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं कर रहा है। काबीना कमेटी इदारा जाति इस्लाहात का मकसद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। वफाकी वजीर तालीम कहते हैं पहली बार तकर्री की मिजाज अथॉरिटी का तायुन कर लिया गया। सरकारी मुलाजिम का नैब केस में नाम होने पर तरक्की नहीं दी जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम इंक्वायरियां बंद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान दे दिया। पाकिस्तान कौमी वीमेंस क्रिकेट टीम की मैच से कबल तैयारियां जारी हैं। कल जनूबी अफ्रीकी वीमेंस क्रिकेट टीम और पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम के माबैन पहला एक रोजा इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना वायरस ने 48 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,103 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,24,783 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,772 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,50,889, सिंध में 2,37,308, खैबर पख्तूनख्वा में 64,078, बलोचिस्तान में 18,604, गिलगित बल्तिस्तान में 4,892, इस्लामाबाद में 44,304, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,672 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 74,81,688 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,604 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,78,517 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,368 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 48 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,103 हो गई। पंजाब में 4,476, सिंध में 3,830, खैबर पख्तूनख्वा में 1,799, इस्लामाबाद में 460, बलोचिस्तान में 191, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आजाद कश्मीर में 245 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीरिस्तान में फौरी तौर पर 3G और 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वज़ीरिस्तान में 70% लोग वो हैं जो गुरबत की लकीर से नीचे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब के दौरान वजीर-ए-आज़म ने कहा कि कोशिश है कि पीछे रह जाने वाले लोगों और इलाकों को आगे लेकर आएं। जो इलाके पीछे रह गए हैं उनमें स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। इक्तदार में आने से पहले मियांवाली में निमल यूनिवर्सिटी कायम की थी। जनूबी वजीरिस्तान में भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान है। अगर उन्हें अच्छी तालीम और फनी तरबियत दी जाए तो वो न सिर्फ अपने खानदान बल्कि मुल्क को भी मौशी लिहाज से ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान है, और उसी नौजवान को अगर हम अच्छा तालीम दे दें,
टेक्निकल एजुकेशन दे दें तो वो सिर्फ यही नहीं कि वो अपने आप को ऊपर ले जाएगा, अपने खानदान को ऊपर ले जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा तबाही उस इलाके में हुई। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वजीरिस्तान की हर तरह से मदद की जाए। यहाँ के नौजवानों को सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार की है। आइंदा साल यहाँ के नौजवानों को और ज्यादा कर्जे दिए जाएंगे। कबायली इलाके का जम होना पख्तूनख्वा से, ये बहुत मुश्किल काम था। इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि ये फैसला कबायली इलाके के लोगों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत 11 पाकिस्तानी हिंदुओं से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में शकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत 11 पाकिस्तानी हिंदुओं से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं कर रहा। भारत के तफसीलात फराहम न करने से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। हमारी कोशिशों के बावजूद भारत से तआवुन नहीं मिला। इस्लामाबाद में ज़राए बलाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि हम हिंदू बिरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं, मुतासर खानदानों को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और दफ्तर ख़ारजा मुतासर अफराद से हर तरह का तआवुन करेगा। अर्नब गोस्वामी की गुफ्तगू से सब पता चल गया। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जाली मुहिम चलाई। उधर डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में अकलियतों को हर किस्म की आज़ादी और तहफ़ हासिल है। भारत और दुनिया भर में अकलियतों के हकूक की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अगस्त से अब तक मुतासरीन के लिए इंसाफ के मुंतजर हैं। हिंदू बिरादरी भारत की हाई कमीशन जाना चाहती है। भारतीय हुकूमत हमारे प्यारों की बाकियात हवाले करे। जुल्म हुआ है और हम उस जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की हकूमत दफ्तर खारजा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको इंसाफ मिले और जिस दरवाजे पे भी आप दस्तक देना चाहते हैं हमें आप अपने साथ पाएंगे। हर मैदान में हम आपके साथ तआवुन करेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तकर्रुरी और तबादलों में तब्दीलियां अमल में लाई गई हैं, जिसके तहत तरक्की 3 बरस बाद करने का फैसला किया गया और अगर सरकारी मुलाजिम का नैब में केस हुआ तो इसकी तरक्की नहीं हो सकेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तकर्रुरी और तबादलों में तब्दीलियां अमल में लाई गई हैं, जिसके तहत तरक्की 3 बरस बाद करने का फैसला किया गया और अगर सरकारी मुलाजिम का नैब में केस हुआ तो उसकी तरक्की नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम ने यह भी कहा कि सिविल सर्विसेज इस्लाहात के 6 हिस्सों पर कल फैसले हुए। काबीना कमेटी इदारा जाती इस्लाहात का मकसद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। पहली बार तकर्रुरी की मजाज अथॉरिटी का तायुन किया गया। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि मुलाजमीन की तरक्की के लिए बोर्ड्स के इख्तियारात में इजाफा किया गया। सिविल सर्विस मुलाजमीन के लिए रोटेशन पॉलिसी बनाई है। रोटेशन पॉलिसी पर अमल ना करने वाले अफसर की प्रमोशन नहीं होगी। कोई भी अफसर किसी भी सूबे में 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। जब 10 साल मुकम्मल होंगे तो उसके बाद वहाँ से वो ट्रांसफर हो जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल बाद तमाम केसेस बंद कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि तमाम इंक्वायरियां बंद कर दें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के अख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। डीजी नैब शहजाद सलीम रिपोर्ट समेत अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी है। नैब ने 20 साल कबर आमदन से ज्यादा असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की मगर नाकाम हुआ। हमारा सियासी खानदान है, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। वकील चौधरी बरादरान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बतौर वजीर बल्दियात करप्शन के इल्जाम आयद किए गए मगर कोई ठोस शवाहिद न मिले। किसी भी माली इदारे की जानिब से नैब को करप्शन के शवाहिद न मिले। बेदाग सियासी करियर के हामिल हैं, कभी करप्शन नहीं की। अदालत से इस्तदा है कि नैब का 20 बरस पुराने आमदन से ज्यादा असासाजात की इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। ख्याल रहे कि चौधरी बरादरान ने नैब की जानिब से दोबारा तहकीकात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।